अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नाज़िया और मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर विद नाज। आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूं एक फेशियल का व्यू। मुझे जो है स्नैपचैट पे बहुत से मेरे जो प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही जिनके पास टाइम ना हो नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स से फेशियल करने का, वो लोग जो है मनी इन्वेस्ट करके और जो है अपने लिए कौन सा फेशियल परचेज करें। तो मैंने सोचा कि मैं एक फेशियल जो मेरी दिनों में मेरी कज़न ने ऑर्डर किया था, इनफैक्ट उसने मुझसे अपने फेस के ऊपर करवाया, तो मैंने जब उसके रिजल्ट्स देखे, पैकेजिंग देखी, मैंने उसकी सब चीज़ें देखी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ यही फेशियल जो है रिकमेंड आप लोगों को करती हूँ कि अगर आप लोग बाय करना चाहें तो आप लोग ये वाला फेशियल बाय कर सकते हैं। कि मैं खुद जो है केमिकल बेस या फिर कोई भी ब्रांड का फेशियल वगैरह नहीं करती, मैं नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बने हुए ही फेशियल करती हूँ। आप लोगों को, आप लोगों के लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि आज का जो दौर चल रहा है इसमें जो है ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई सैलून ना जाए और फेशियल वगैरह ना करवाए, लेकिन ये रियलिटी है। अगर अपनी स्किन को हेल्दी वे में ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन का बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो बिलीव मी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए मैजिकल हो नहीं सकती। लेकिन ये मेरे जो प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स थे स्नैपचैट के, उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने आज ये फेशियल आप लोगों के साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो ये है वो फेशियल किट, माइटी ग्लो फेशियल किट। ठीक है, सबसे पहले इसके बॉक्स की बात कर लेते हैं। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसके बॉक्स की पैकिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। इससे पहले मैं इसे ओपन करूँ, इसके पीछे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, हम लोग वो पढ़ लेते हैं। इस फेशियल के बैक साइड पे लिखा हुआ है कि जो स्किन केयर के एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने इस फेशियल को प्रिपेयर किया है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये एक्सपेंसिव नहीं है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं पैकेजिंग में, ट्यूब्स वगैरह में, बट इसमें दूसरे लोगों जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनके। ठीक है, मास्क है, मसाजिंग क्रीम है, स्क्रब है, फेस वॉश है। ठीक है, ये इन्होंने सारा कुछ इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसको जो बनाया है वो स्किन केयर एक्सपर्ट्स ने बनाया है, लेकिन स्किन केयर एक्सपर्ट्स ने बनाया है, उन्होंने इसे जो है स्टोर ज़्यादा देर करने के लिए, इसकी एक्सपायरी तक इसे जो है ठीक रखने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए होंगे, बहुत सी चीज़ें इन्फ्यूज़ की होंगी, जिससे इसके जो प्राइस हैं वो भी हाई हुए होंगे, और उसके बाद जो है ये आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही, कोई भी आप फेशियल वगैरह करवाते हैं, कुछ भी आप केमिकल बेस करवाते हैं, वो आपकी स्किन को हार्म करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे करता है तो मैंने एक वीडियो पहले शेयर की थी कि कैसे और किस हद तक आपको हार्म करता है और ये चीज़ें बनती कैसे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आप चाहें तो ये फेशियल अपने सैलून के लिए खरीद सकते हैं। अगर यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आप अपने सैलून के लिए खरीद सकते हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितने हार्श केमिकल्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम सैलून जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो हमें इंस्टेंट ही रिजल्ट देते हैं। तो वो मैंने कोई भी बात आपसे छुपाई नहीं है, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू कर रही हूँ। मैंने अपनी कज़न का फेशियल किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए इसके, लेकिन जो फैक्ट हैं वो भी शेयर कर रही हूँ। उसके बाद दिल मुतमईन होता है तो ले लीजिए, नो प्रॉब्लम नहीं होता, तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे ही कैरी ऑन कर लीजिए। अच्छा जी, ये आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। फेशियल कैन मेक यू योर स्किन लुक यंगर, या आपकी स्किन को यंगर दिखाता है, जो है ग्लोइंग दिखाता है, आपकी स्किन को एक्ने को रिड्यूस करता है, स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। फाइव द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो है ये वो कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, प्रिवेंट्स एजिंग, या आपके एजिंग के साइंस को प्रिवेंट्स करता है, डिटॉक्सिफाइंग जो है आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, हील एक्ने एंड एक्ने स्पॉट्स को, ये जो है एक्ने को खत्म करता है, एक्ने स्पॉट्स को, और रिमूव्स व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, रिमूव करता है व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को, आपके जो स्किन है उसे इंप्रूव करता है, स्किन जो है आपकी ज्यादा अच्छी करता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर है क्या और आपने इसे यूज कैसे करना है। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें बता दूं कि एक मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मैंने कोई भी केमिकल फेशियल अपने फेस के ऊपर नहीं किया। अगर इतना ही बेनिफिट होता तो मैं अपने फेस के ऊपर कर लेती। फर्स्ट क्लींजर है, सेकंड स्क्रब है, थर्ड पॉलिश क्रीम है, फोर्थ मसाज क्रीम है, और जो है फाइव वो है मास्क। क्लींजर है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पीछे मेंशन है, विटामिन ई है इसके अंदर, एवोकाडो ऑयल है इसके अंदर, उसके बाद ग्लिसरीन है इसके अंदर। क्लींजर को करना है तो अपने आईज़ का जो एरिया है उसे आप लोगों ने अवॉइड कर देना है। अगर आईज़ के एरिया को अवॉइड करने की बात आ रही है तो इस मीन इसके अंदर हार्श केमिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसकी क्वान्टिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में। अदरवाइज़ दूसरे ब्रांड्स होते हैं ना, उनकी जार्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और उनके अंदर क्वान्टिटी बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल फिल है। आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहें इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं, मैंने अपनी कज़न के फेस के ऊपर किया था, इंस्टेंट ग्लो भी आई थी, स्किन क्लियर भी हुई थी, इसके बाद स्किन लाइटन भी हुई थी, और जो डेड सेल्स हैं और डेड स्किन वगैरह है वो 100 में से 80% रिमूव भी हुई थी।
तो मेरी तरफ से अगर आप लोग इसे बाय करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। स्टेप्स इसके ऊपर मेंशन है, आप लोगों ने कैसे करने हैं, कौन सा स्टेप। अगर आप लोगों को नहीं पता कि फेशियल में कौन सा स्टेप आता है, आप लोग मेरे नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स बने हुए फेशियल्स हैं उसे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप जो है वो सेम टू सेम होते हैं। पहले क्लिनजिंग, फिर स्क्रबिंग, फिर जो ब्लीच या पॉलिश वगैरह, उसके बाद मसाज वगैरह, ठीक है, मास्क वगैरह होता है। तो जब आप क्लिनजर करेंगे, आप लोगों ने फिंगर्स की जो हेल्प से क्लिनजिंग करना है सर्कुलर मोशन में, और बहुत ही ज़्यादा जेंटल स्क्रब करना है, तो वो और भी ज़्यादा आप लोगों ने बहुत ही हल्के हाथों से करना है। मैं अपनी फैमिली को बताती रहती हूँ कि बहुत ही हल्के हाथों से करना है, रगड़ा रगड़ी नहीं स्टार्ट कर देनी, अच्छे से करना है। और फिट है, आप लोगों को इसे क्यों परचेज करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए मैंने वो भी बता दिया। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद समवन मेडिकल हेयर केयर एंड स्किन केयर रूटीन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी स्किन को अगर बचाना चाहते हैं तो मेरी उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा जिसमें मैंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं और हम इसे कैसे बच सकते हैं और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।